आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक की एक बहुत ही इजी रेसिपी। यह केक घर में अवेलेबल सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। यह केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इस केक को आज हम विदाउट क्रीम ही बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। केक बनाने के लिए ये लिया है हमने 1/2 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल। इसे हम इस बोल में डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं या फिर बटर का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है। ये लिया है हमने 1/2 कप फ्रेश कर्ड। पाउडर्ड शुगर, ये हमारे घर में जो नॉर्मल शुगर होती है उसे हमने मिक्सर में ग्राइंड करके उसका फाइन पाउडर बना लिया है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका एक स्मूथ बैटर बनकर रेडी है। ये लिया है हमने एक बोल, इसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। ये 1 कप और ये 1 और कप। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करके और इस छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करेंगे। ये मिल्क हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। केक बनाने के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उन सभी को हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। मींस वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे इंग्रेडिएंट्स हमको केक के लिए यूज़ करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि आज हम जो केक बना रहे हैं वो कोकोनट केक बना रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप इसे ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए इस बैटर को बनाने में हमने 1 कप मिल्क का यूज़ किया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क और ऐड करेंगे। ये देखिए केक का बैटर बिल्कुल रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। जब हम ऊपर से इसे इस तरह से नीचे गिरा रहे हैं तो इसमें इस तरह का एक रिबन बन रहा है। ये केक के लिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये लिया है हमने कुकर, क्योंकि आज हम जो केक बनाएंगे वो सीधे हम कुकर में ही बनाएंगे। इस कुकर में हमने बटर पेपर लगा दिया है, इसके बेस के बराबर बटर पेपर को कट करके हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है। आप बटर पेपर की जगह पर सिल्वर फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कुकर के अंदर मैदे की डस्टिंग करके भी केक को बना सकते हैं। इसको इस तरह से हम ऑयल से पूरे कुकर को अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वाइट विनेगर। आप विनेगर की जगह इसमें लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम अब स्लाइटली मिक्स करेंगे। विनेगर डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब इस बैटर को इमीडिएटली हम इस कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस कुकर को अब हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर के जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। अब इस कुकर में हम ये लिड लगा देंगे, इसकी हम ये जो सीटी है इसको निकाल लेंगे, और इसकी गैस्केट को भी निकाल कर अब हम इसको इसमें लगा देंगे। ये हमने एक फ्लैट तले वाला तवा गैस पर गर्म रख दिया है, इसे हमने तेज गर्म कर लिया है, और इस केक वाले कुकर को हम इस तवे के ऊपर रखेंगे और इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। केक को पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बार चेक कर लेंगे। वाओ, लुक एट दिस, कितना पफी केक बनकर हमारा रेडी हुआ है। इसे हम एक बार टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेते हैं। टूथपिक को हम इसमें इस तरह से प्रिक करेंगे। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकल कर आई है। इसका मतलब ये है कि हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसे गैस से उतार कर नीचे रख लेंगे। केक को हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसने अपनी साइड्स को छोड़ दिया है। हम इसमें इस नाइफ़ की हेल्प से थोड़ी सी और इसकी साइड्स को इस तरह से लूज़ कर लेंगे। ये लिए हमने एक प्लेट, इस प्लेट को हम इसके ऊपर इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसे थोड़ा सा 1-2 बार टैप करेंगे। वाओ, ये देखिए हमारा केक कितना इजीली बाहर आ गया है। इसके ऊपर से मैं ये बटर पेपर निकाल देती हूँ। केक को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब केक को हम इवन कर लेते हैं। इसका जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट हमें दिख रहा है, इसे हम नाइफ से कट करके और एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल एक जैसा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने ये एक डिब्बा ले लिया है, आप किसी भी भारी डिब्बे को यहाँ पर रख सकते हैं, और इसके ऊपर एक प्लेट को पलट कर रख दिया है।
इसके ऊपर रखेंगे हम हमारा केक। इससे केक को रोटेट करने में आसानी होगी। इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे शुगर सिरप, इससे केक में बहुत अच्छा मॉइस्ट आ जाएगा। इस पर हम स्प्रेड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये देखिए, हमने इसकी टॉप लेयर पर डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके साइड में भी थोड़ा सा शुगर सिरप इस तरह से लगाएंगे। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट को लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमने पूरे केक पर कोकोनट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किसी भी व्हिप्ड क्रीम का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इस केक के ऊपर पहले व्हिप्ड क्रीम को आप अप्लाई करें और उसके ऊपर आप डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड कर सकते हैं। अब इस केक को हम थोड़ा सा और कलरफुल बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है थोड़ी सी चेरी। इन चेरीज को हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। वाओ, ये देखिए, हमारा बहुत ही खूबसूरत बिना क्रीम का कोकोनट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार है। वाओ, मैंने तो इस केक को खाना भी शुरू कर दिया है और ये केक बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुआ है। यम्मी। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।